Hey, hello guys. Sorry for the delay. We are late by close to 3 minutes. Let me ensure that I am audible and visible to everybody. If so, then only I will go ahead. If I am not audible and visible, we need to ensure कि हम audible और visible है, तभी हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि recently YouTube में थोड़े issues आ रहे हैं audibility के और visibility के. So चलिए बताइए एक बार मुझे, क्या मैं audible और visible हूँ? I guess I am. सर खरच खूप छान वाटले तुमच्या सोबत लाईव्ह लेक्चर मध्ये बोलून. थँक्यू सचिन. गुड मॉर्निंग आर्या फातमा अँड प्रियंका राठोड अँड सबीहा. व्हेरी गुड मॉर्निंग सर. आजपासून तर मी तुमचा फॅन झालो. अरे सचिन खरंच का? ग्रेट. शैलेश आरजे हॅलो. ग्रेट. चलिए हम क्लास स्टार्ट करते. लेट मी कम्प्लीट द प्रमोशन पार्ट अँड देन वी विल गो अहेड विथ द रियल कंटेंट. अँड दॅट कंटेंट यू नो कितना सही है. गुड मॉर्निंग रमनदीप. सो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज एन एकेडमी. गाइस देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एन एकेडमी. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ एन एकेडमी इज दैट यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस. दीज डेली लाइव क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस प्रिपरेशन. गाइज आपको अनअकेडमी पे हम स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं. ये स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मेनली आपको प्लस और आइकॉनिक पे मिलेंगे. और अगर आपको प्लस या आइकॉनिक पे जाना है तो आपको पता है एक कोड आपको यूज करना पड़ेगा और वो कोड है एसके यूएस. हम इसको वायरल कोड ऑफ सक्सेस कहते हैं. ठीक है. देन गाइस आई एम कंडक्टिंग डेली लाइव टेस्ट एवरीडे एट 8 AM इन द मॉर्निंग, एवरीडे एट 4 PM इन द इवनिंग. तो आप लोगों को ये दोनों लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट कंपलसरी अटेंड करना अगर आप जेन्युइनली प्रीलिम्स 2021 क्रैक करना चाहते हो तो. Then guys, everything that is happening on Unacademy is in recorded format. तो आपको unlimited access मिल जाएगा हर एक चीज का. भावना गहलोत कह रही है सर वॉइस क्लियर नहीं है. इज इट गाइज? इज देयर एन इश्यू ऑफ वॉइस? देन गाइज दिस इज माई टेलीग्राम चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल. दिस इज माई Unacademy profile. प्लीज फॉलो मी ऑन Unacademy. एंड yes, don't forget to dedicate your hats to me on Unacademy. ये दोनों चीजें आपको कंपल्सरी करनी है. उसके बाद गाइज दीज आर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हु विल हेल्प यू टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. आई एम ऑलरेडी वन ऑफ देम. एज नोटिफिकेशन इज आउट वी हैव टू स्टडी हार्ड टू क्रैक 21 बीटी. एनी स्ट्रैटेजी सर? डेक्स्टर द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू अटेंड सचिन सर्स 8 AM लाइव टेस्ट एंड सचिन सर्स 4 PM मॉक टेस्ट एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज टू टेस्ट एज वेल एज सचिन सर्स फुल सिलेबस फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑन कमिंग संडे बिटवीन 8 to 10 AM. दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ. That I know. Okay. Then guys, Unacademy पे हम आपको comprehensive coverage of the syllabus देते हैं. यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग topic, अलग अलग subject जो हम UPSC CSE category के अंदर cover करते हैं. ठीक है. Good morning Tomar and Radhika. तो आप UPSC CSE में जाओगे ना Unacademy पे तो आपको ये सारे benefit मिल जाएंगे. After that guys, जब आप plus पे जाते हो, अभी मैंने आपको जो 4 benefit बताए वो सब plus पे आपको मिलेंगे. 6 months, 12 months और 24 months एंड 36 months के लिए. और ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ना गाइज, इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को की बेनिफिट है कुछ प्लस के ओवर. वो क्या क्या है? एक तो आपको वन ऑन वन गाइडेंस सेशन मिलता है विद अ पर्सनल कोच ऑन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड चूजिंग राइट लर्निंग रिसोर्सेज. उसके बाद आपको रेगुलर मेन्स के क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है आपकी विथ इवेल्यूशन एंड पर्सनलाइज फीडबैक. उसके बाद आपको स्टडी ट्रैकर प्लान मिलता है विथ बाय वीकली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस. एंड आपको स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं विथ एसेंशियल गाइडलाइंस ऑन आंसर राइटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट. ये सब आपको मिलता है आइकॉनिक पे. और आप आइकॉनिक ले सकते हो 12 months, 24 months या 36 months के लिए. और इन सब जगहों पे अगर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आपको ये वायरल कोड ऑफ सक्सेस याद रखना पड़ेगा. दैट इज वो आप बताओगे कौन सा है वायरल कोड ऑफ सक्सेस. तो एंजॉय एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट कौन सा है? या फिर आप गाइज ये कर सकते हो कि अगर आपको सिर्फ ऑप्शनल करना है तो हमारे पास सेपरेट ऑप्शनल के लिए भी सब्सक्रिप्शन है. इसमें आप देख लीजिए ये ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन है. इसमें SKUS वायरल कोड ऑफ सक्सेस आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देता है. थैंक यू सो मच सर. मार्क्ड योर वर्ड सर. ग्रेट डेक्स्टर दैट्स ग्रेट. यस राधिका SKUS. Then, as notification, UPSC CSE prelims 2021 notification is out. Your prelims is on 27th of June 2021. Then last date to apply for the preliminary examination is till 6 p.m. on 24th of March. Number of vacancies 712 है. आप इस वेबसाइट पे जाकर अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हो. और आपका मिनिमम एज होना चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 32 ईयर्स.
यू मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 इयर्स, मतलब 1 अगस्त ये डेट है, ठीक है। चलिए आगे, देन गाइज ये जो प्रिलिम फोकस्ड बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, 10th मार्च को प्रिलिम्स फोकस्ड बैच लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स के फॉर्म में ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं 10th मार्च से। इस बैच में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको प्लस या आइकॉनिक पे जाना पड़ेगा, और प्लस और आइकॉनिक पे जाने के लिए आपको पता है आपको एक वायरल कोड ऑफ सक्सेस यूज करना पड़ता है, SKUS, जो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट अवेलेबल करके देता है। अब ये बैचेस एक तो बाइलिंगुअल है 4 मंथ की, या फिर इंग्लिश है 4 मंथ की। ये सारी बैच स्टार्ट होने वाली है 10th मार्च से। देन 7th मार्च को 11 AM को इंडिया का बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सीएसई एग्जाम होने वाला है, विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज, और इसके लिए आपको एनरोल करने के लिए एक कोड यूज करना पड़ता है, एंड दैट कोड इज SKUS। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? सेल्फ डिसिप्लिन इज द नंबर 1 डिलिनिएटिंग फैक्टर बिटवीन द रिच एंड द मिडिल क्लास एंड द पुअर। आप डिसाइड कीजिए आपको रिच बनना है, मिडिल क्लास में रहना है, पुअर रहना है, या फिर कुछ भी नहीं करना, और ये डिपेंड करता है आपके सेल्फ डिसिप्लिन पे कि आप कितने सेल्फ डिसिप्लिन हो, उसी बेस पे डिसाइड होगा कि आप रिच हो गए, पुअर हो गए, या मिडिल क्लास में रहोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन वाला पार्ट। चलिए अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और हमारे लेक्चर में पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्सटाइल एलिगेटर्स। अब मैं बिफोर आई गो अहेड विद दिस टॉपिक, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गुड मॉर्निंग K2 कपाड़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग। गाइज एक बार मुझे बताइए हमारे क्लास में अभी करंटली कितने लाइव स्टूडेंट है, लाइव स्टूडेंट कितने हैं हमारे क्लास में अभी बताइए एक बार। हमें ये भी नंबर बढ़ाने हैं। रमनदीप आपको याद है एक दिन होता था तब हमारे क्लास में 100 के आसपास लाइव स्टूडेंट चले जाते थे। सुनिए वो हमें अचीव करना है अभी भी। क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो देयर बॉडी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो देयर बॉडी पार्ट। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, एलिगेटर, उसके बाद गेको, उसके बाद लिजार्ड, और आपके ऑप्शंस है A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, and last option है D 1, 2 and 3। चलिए इसका आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, देन वे विल गो अहेड। ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आ गया लॉजिकली, मतलब वो तुक्का नहीं मारना है, सच में आता है तो आंसर देना है, नहीं तो लेट इट बी, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे सरकारी पॉल, यस अजय कृष्णा, आंसर इज डी 1, 2, 3। सुनिए हमने अब तक क्या सुना हुआ था, वी नो कि लिजार्ड्स कैन ग्रो रीग्रो देयर टेल, लिजार्ड्स अपनी टेल को रीग्रो कर सकती है, ये हमें पता था। लेकिन रिसेंट वर्सटाइल एलिगेटर्स, इट इज नॉट जस्ट लिजार्ड्स एंड गेकोज, अ न्यू स्टडी नाउ शोज दैट यंग एलिगेटर्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू रीग्रो देयर टेल्स। तो ये पहला आपका पॉइंट हुआ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स 2021, प्रिलिम 21 का ये पहला पॉइंट हुआ। द स्टडी टीम फ्रॉम द US speculates that this ability gives them a functional advantage in their murky habitat. Let it be. तो इस स्लाइड से बस ये पहला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरा पॉइंट, अब एलिगेटर किसे कहते हैं, तो गाइज याद रखिए एलिगेटर इट इज अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल की बहुत सारी सब स्पीसीज है, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो उसमें क्रोकोडाइल्स जो है, इसमें आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलेगी। कैन यू टेल मी वेयर वी कैन फाइंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, हमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कहाँ मिलती है, ये एक हुआ। उसके बाद दूसरा गाइस, क्रोकोडाइल की सब स्पीसीज घड़ियाल, घड़ियाल इज अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल। उसके बाद तीसरी, एलिगेटर इज अ टाइप ऑफ क्रोकोडाइल।
तो हमें एलिगेटर में भी ये फेनोमेनॉन मिला है कि वो उनके बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर सकते हैं। काव्या श्री, नहीं इंडिया में कहां मिलता है ये मैंने पूछा, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इंडिया में हमें कहां मिलता है, तो हमें इंडिया में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है भितरकनिका नेशनल पार्क विच इज लोकेटेड इन ओडिशा, या आप ये कह सकते हो कोस्टल एरिया में। ओके, उसके बाद ये घड़ियाल हमें इंडिया में कहां मिलती है, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ घड़ियाल, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ घड़ियाल बताइए एक बार, घड़ियाल हमें मिलती कहां है, एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ घड़ियाल, यस नॉट कॉर्प्स, यस। तो घड़ियाल जो है ना, इट इज अ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, जैसे नॉर्मल जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होती है उसके अगेंस्ट घड़ियाल इज अ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, और आपको ये मेनली मिलती है गंगा रिवर में, उसके बाद आपको ये चंबल में मिलेगी, गंगा में मिलेगी, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर्स है ना उनमें आपको घड़ियाल मिलेगी, और ये एलिगेटर मिलता है आपको अमेरिकन कंटिनेंट में, वेदर इट इज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, प्रिफरेबली साउथ अमेरिका में आपको ये एलिगेटर मिलेगा। तो दीज आर द थ्री सब स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीसीज डायवर्सिटी। उसी तरह स्पीसीज डायवर्सिटी का और एक एग्जाम्पल है, आप मुझे बताओगे, कैन यू टेल मी हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ टाइगर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, एंड आउट ऑफ दीज हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ टाइगर वेंट एक्सटिंक्ट, कितनी स्पीसीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है टाइगर की और कितनी एक्सटिंक्ट हो गई है। चलिए आप लोग आंसर करोगे, यस गाइस, देयर आर टोटल 9 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स, देयर आर टोटल 9 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर्स, इसमें से 2 एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब बाकी कितनी रह गई, 7, और उसमें से 1 ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, तो सिर्फ 6 सब स्पीसीज आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगी। अभी जो 2 एक्सटिंक्ट हुई है उसमें से 1 जावन टाइगर है और दूसरा गुरविंदर ढिल्लों, वेरी गुड गुरविंदर ढिल्लों, 9 जावन टाइगर है और दूसरा बाली टाइगर, ये 2 एक्सटिंक्ट हो गई है, ओके नॉट कॉर्प्स राइट, और 1 वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। चलिए तो एलिगेटर क्या है, जीनस एलिगेटर आइदर ऑफ ट्रू क्रोकोडिलियंस रिलेटेड टू ट्रॉपिकल अमेरिकन कैमांस फैमिली एलिगेटोरिडी। एलिगेटर्स लाइक अदर क्रोकोडिलियंस आर लार्ज एनिमल्स विद पावरफुल टेल्स that are used both in defense and in swimming. तो याद रखिए alligator अपनी tail defense और swimming दोनों के लिए use करते हैं। Yes, Jay Krishna. The average lifespan of alligators is about 50 years in the wild. ये रहे आपके alligator. What a beautiful creature. Mississippi or American alligator and estuarine or salt water crocodile. ये आपको estuaries में मिलेगी। तो दीज आर द एलिगेटर्स, इसी में आपका घड़ियाल भी आएगा और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है आपको। देन ये गेको है, दिस गेको कैन रीग्रो इट्स टेल। हमने 2 गेकोज ऑलरेडी पढ़ी है, एक हमने रॉक गेको पढ़ी है, इफ यू रिमेम्बर, एक हमने रॉक गेको पढ़ी है और दूसरी नॉर्मल गेको पढ़ी है। ये 2 स्पीसीज नई हमें गेको की रिसेंटली मिली थी, इफ यू रिमेम्बर, है ना। ये गेको अपनी टेल को रीग्रो कर सकती है, एलिगेटर्स में भी वो फेनोमेनॉन हमें देखने को मिला है और लिजार्ड में तो है ही, ठीक है। सो वर्सटाइल एलिगेटर्स, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के लिए, आपके एंसेस्टर्स ऑफ एलिगेटर्स एंड डायनासोर्स एंड बर्ड्स, मतलब एलिगेटर डायनासोर और बर्ड इनके एंसेस्टर कॉमन थे, वो एक दूसरे से अलग हो गए, मतलब ये तीनों लोग अलग अलग तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हुआ नियरली 250 मिलियन ईयर्स एगो। तो प्रीलिम के लिए याद रखना है, एलिगेटर डायनासोर एंड बर्ड्स हैड सेम एंसेस्टर्स, ओके। आवर फाइंडिंग दैट एलिगेटर्स हैव रिटेन्ड द सेल्यूलर मशीनरी टू रीग्रो कॉम्प्लेक्स टेल्स व्हाइल बर्ड्स ने व्हाइल बर्ड्स हैव लॉस्ट दैट एबिलिटी रेजेस द क्वेश्चन ऑफ व्हेन ड्यूरिंग इवोल्यूशन दिस एबिलिटी वाज लॉस्ट। तो इन तीनों में क्वालिटीज, इनके एंसेस्टर में क्वालिटीज थी, उनकी टेल को वो रीग्रो कर सकते थे। अब वो डायनासोर तो एक्सटिंक्ट हो गए, अब बच गए आपके बर्ड्स और एलिगेटर, तो बर्ड्स अपनी टेल जो है रीग्रो नहीं कर सकते, एलिगेटर्स कर सकते, ये इन्होंने क्या कैपेसिटी क्या की है, रिटेन करके रखी है। द टीम होप्स दैट अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट एनिमल्स रिपेयर एंड रीजनरेट टिश्यूज कैन हेल्प इन डेवलपिंग। अब ये हमें क्यों स्टडी करना है, क्या जरूरत है, अगर हमें इनके जीन्स के बारे में पता चला, इस मैकेनिज्म के बारे में पता चला, अगर हमें इनमें कौन से प्रोटीन्स रोल प्ले करते हैं रीग्रोथ के बारे में ये पता चला, तो गाइज ह्यूमंस
can regrow their lost body parts. Isn't it possible? अगर ये लोग अपनी टेल को रीग्रो कर सकते हैं कि तो क्या हम हमारे हाथ को रीग्रो नहीं कर सकते? बिल्कुल करना आना चाहिए. अगर ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं. क्या हम हमारे पैर को रीग्रो नहीं कर सकते? फिर रहने होने दीजिए, कितने एक्सीडेंट होने. हाथ अगर किसी ने काट भी दिया तो आप ठाकुर नहीं बन के रहोगे. ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ये गब्बर कहेगा तो ठाकुर बोलेगा ले 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 ले, तुझे कितने हाथ चाहिए ले ले, इनको काट ले, फिर 15 दिन बाद मुझे मिलने आना, फिर से मेरे नए हाथ आएंगे, उनको फिर से तू काट ले, लाइक दैट. ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर हमें ये टेक्निक पता चल गई, अगर हमें ये प्रोसेस पता चल गई, अगर हमें ये मेथड पता चल गई कि हाउ वी कैन रीग्रो अवर बॉडी पार्ट्स. ओके, दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइज, आपको मुझे बताइए, जो वाटर है, ये जो आपका वाटर होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, लिक्विड किसी भी, मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए, कोई लिक्विड है, जब आप टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, व्हेन यू रिड्यूस और डिक्रीज टेम्परेचर, ओके, व्हेन यू रिड्यूस और डिक्रीज टेम्परेचर, तो डेंसिटी, वो लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा, एक पॉइंट के बाद दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड. अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मोर होती है या लिक्विड मोर होती है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड ज्यादा होती है या डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा होती है, बताइए वल्ला, आंसर करो. यस गाइस, ये सॉलिड भी कन्वर्ट होगा रमनदीप, लेकिन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, लिक्विड की या सॉलिड की? लिक्विड की या सॉलिड की? तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ये याद रखिए. अब देखिए, वाटर्स ड्यूअल ईगो, वाटर बड़ा इगोइस्टिक है. वन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनिमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन होप्स अ टू लिक्विड थ्योरी, नेमली वाटर एग्जिस्ट एज टू लिक्विड्स एट डिफरेंट प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर्स. So far, the two states have been seen only in simulations. Now, a science article describes experimental observation of the two states at minus 63 degrees Celsius by rapidly varying the pressure. The researchers saw one liquid change into the another. मैं आपको explain करूँगा, don't worry about that. पहले मुझे जो main point है वो बताने दीजिए. The anomalous expansion of water is an abnormal property of water whereby it expands instead of contracting when the temperature goes from 4 degree Celsius to 0 degree Celsius. सुनिए, जब temperature 10 degree Celsius है, तो 10 degree Celsius से आप water का temperature reduce कर रहे हो, आप आ गए 5 degree Celsius तक. तो मुझे बताइए, water expand होना चाहिए या contract होना चाहिए? 10 डिग्री से आप 5 डिग्री की तरफ जा रहे हो, तो वाटर शुड एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट? यस, आंसर कीजिए. जब आप टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो तो वाटर में एक्सपांड होना चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? यार इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम है इसका आंसर देने में? अरे भाई साहब, तिलोत्तमा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना. लिक्विड से जब आप सॉलिड की तरफ जा रहे हो तो इट शुड कॉन्ट्रैक्ट. यस, 10 डिग्री से 5 डिग्री की तरफ जाते वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, सिंपल. ठीक है, अब नॉर्मल मैं पूछ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन लिक्विड के बारे में. एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, जब आप इस लिक्विड का टेम्परेचर रिड्यूस करोगे, when you reduce the temperature of this liquid, तो वो लिक्विड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो लिक्विड क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, तो हमने लिक्विड ए का टेम्परेचर रिड्यूस किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कब तक? जब तक वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. अब वाटर का एग्जाम्पल लीजिए, वाटर को, वाटर का टेम्परेचर आप रिड्यूस कर रहे हो, तो जब आप टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हो, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते वक्त ये वाटर होता है एक्सपांड.
इसे कहते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, या इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। और इसी को देखिए, ये एक और ये दो, इसी को हम कह रहे हैं वाटर ड्यूअल ईगो, या वाटर एक लिक्विड होकर भी दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है ना, एबनॉर्मल बिहेवियर है। ओके ओके यस, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन। तो इसे वाटर का ड्यूअल ईगो कहते हैं, ये वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ। अब मुझे बताइए, इस वाटर के एबनॉर्मल बिहेवियर की वजह से क्या पॉसिबल होता है? व्हाट बिकम्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, अभी अभी जो मैंने आपको बताया। तो बिकॉज ऑफ दिस, जो आर्कटिक रीजन है या वेरी कोल्ड एरियाज है, वहां पे एनिमल सर्वाइव करते हैं। क्यों सर्वाइव करते हैं एनिमल? क्योंकि वाटर बॉडीज का ऊपर का सरफेस फ्रीज हो जाता है, लेकिन उस सरफेस के नीचे आपको लिक्विड वाटर मिलता है। रूल क्या है? अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चले जाते हैं तो ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर शुड फ्रीज, ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर शुड फ्रीज, बट दैट डजंट हैपन हियर। Yes, right. The beautiful world of animation. You are right. So, ये anomalous behavior या water का dual ego है ना, ये इसकी वजह से life possible है in very low temperature or cold areas, okay? Arctic जैसे region में। चलिए आगे। The density becomes less and less as it freezes because molecules of water normally form open crystal structures when in solid form. और 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जाते वक्त डेंसिटी वाटर की क्या हो जाती है? कम होती जाती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी की वाटर की कब होती है? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। बाद में वो डेंसिटी रिड्यूस होने लगती है वाटर की। ओके नो क्लियर। So, क्यों होता है वैसा? बिकॉज वॉटर सॉलिड स्टेट में ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ये हो गया आपका वॉटर्स ड्यूअल ईगो। यही यहाँ पे वॉटर्स ड्यूअल ईगो में हमने एक्सप्लेन किया है, या वो स्टडी कर रहे हैं, और इसी बेस पे उन्होंने कहा है कि वॉटर एक्ट्स एज टू लिक्विड्स। डेफिनेटली 4 डिग्री तक ये अलग ही लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है, और 4 डिग्री के बियॉन्ड ये अलग लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है। इसी को हमने कहा वॉटर्स ड्यूअल ईगो। Is that clear to everybody? चलिए अब हम आगे चलते हैं। हम्पी चैरियट कांट बी टच्ड, ये एक न्यूज है, 7th दिसंबर को ये न्यूज आई थी। अब इस न्यूज से आपको प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं अब ये टॉपिक बता रहा हूं, आपको ये टॉपिक कंप्लीट करने, या फिर आप बताइए, हम ये क्लास ले लेंगे, ठीक है? आपको विजयनगरा एम्पायर मिडिवल हिस्ट्री में से अच्छे से करना है, उस पे प्रीलिम 2021 में क्वेश्चन आने वाला है। प्रीलिम 2021 में विजयनगरा एम्पायर पे क्वेश्चन आएगा। आप मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दोगे, देखते हैं आप लोगों को कितना पता है। विजयनगरा एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर एंड बाय हुम? विजयनगरा एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर एंड बाय हुम? ये हिस्ट्री वाला पार्ट मैं पूछ रहा हूं आपको, ठीक है? नहीं, कृष्णदेव राय ने एस्टेब्लिश नहीं किया तोमर सिबलिंग, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, लेकिन उन्होंने एस्टेब्लिश नहीं किया था। बताइए कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था और किसने एस्टेब्लिश किया था? जल्दी बोलो। हरिहर और बुक्क ने एस्टेब्लिश किया था, वेरी गुड। वैष्णवी विनोदराव कटगले, वेरी गुड। हरिहर और बुक, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1336 में इन दोनों ने एस्टेब्लिश किया था। अच्छा, आप मुझे डिनेस्टीज के नाम बता सकते हो? टोटल कितनी डिनेस्टीज ने उनको रूल किया, और उनके नाम बताइए। एस्टेब्लिश्ड इन 1336, और ये बाय हरिहर एंड बुक, और ये खत्म कब हुआ विजयनगरा एम्पायर? 1556 में इन द बैटल ऑफ तालीकोटा विजयनगरा एम्पायर खत्म हुआ। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ दोज 4 डिनेस्टीज? अरे ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ एनिमेशन, कुछ भी मत बोलो, बैटल ऑफ तालीकोटा,
हाँ, चार डिनेस्टीज के नाम बताइए जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को रूल किया, उसमें से लास्ट डिनेस्टी कृष्णदेवराया की थी। तुलुवा, सलुवा और बाकी दो नाम बताइए। ये मैं हिस्ट्री वाला मिडिवल वाला पार्ट आपको बोल रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर का कुछ टॉपिक हम इस न्यूज में से करने वाले हैं। फोर डिनेस्टीज संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडू, वेरी गुड नॉट कॉर्प्स। तो चार डिनेस्टीज थी, कौन कौन सी? संगमा, सलुवा, तुलुवा एंड अराविडू। ठीक है, बस इतना बैकग्राउंड इनफ हुआ आपके लिए। अब देखिए, हम्पी चैरियट कैन नॉट बी टच्ड, द चैरियट इनसाइड द टेंपल कॉम्प्लेक्स इज अ श्राइन डेडिकेटेड टू गरुड़ा। याद रखिए, हम्पी चैरियट इज अ श्राइन डेडिकेटेड टू गरुड़ा, याद रहेगा प्रीलिम्स के लिए। हम्पी चैरियट इज अ श्राइन डेडिकेटेड टू गरुड़ा। सेकेंड, द हम्पी चैरियट इज वन अमॉन्ग द थ्री फेमस स्टोन चैरियट्स इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टोन चैरियट एग्जिस्ट करते हैं? तीन, उसमें से एक का आपको नाम पता चल गया, हम्पी चैरियट दैट इज डेडिकेटेड टू गरुड़ा। देन कोणार्क का ओडिशा में चैरियट दैट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड। एंड महाबलीपुरम में आपको कितने चैरियट मिलते हैं बताओ? महाबलीपुरम में आपको कितने चैरियट्स मिलते हैं? तो इंडिया में तीन। सर आई एम इन क्लास 11, वांट टू अपीयर फॉर यूपीएससी, देयरफॉर जस्ट स्क्रॉल हियर एंड फाइंड दिस अमेजिंग लाइव लेशन सर, लाइव सेशन सर, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल एनिमेशन, आई होप यू आर गोइंग टू बी अ रेगुलर स्टूडेंट। मेरे क्लासेस अन अकेडमी पे भी चलते हैं, फ्री क्लासेस शार्प 8 AM को मॉर्निंग में और शार्प 4 PM को इवनिंग में। चलो बोलो, महाबलीपुरम में 6 chariots है, नॉट कॉर्प्स, वहां पे 6 chariots है। 6 कौन से? 5 पांडवों के 5 और एक द्रौपदी का, द्रौपदी का भी एक चैरियट है, पंचरथा, यस नॉट कॉर्प्स, पंचरथा है, 5 पांडवों के और एक द्रौपदी का चैरियट है। एक बार ये कंफर्म कर लीजिए, महाबलीपुरम में कितने चैरियट से टोटल? ठीक है, तो इंडिया में 3 फेमस स्टोन चैरियट्स है, उसमें से एक आपका हम्पी में गरुड़ा के लिए, एक कोणार्क में सन के लिए और बाकी चैरियट्स महाबलीपुरम में है पंच पांडवा के लिए, 5 पांडवा एंड 1 द्रौपदी। चलिए आगे चलते हैं। तो विजयनगर रूलर्स दे रिग्न फ्रॉम 14th to 17th century CE। अरे हो गया क्या गाइज? आज के लिए बस इतना ही काफी है। आप कल विजयनगर वाला टॉपिक अच्छे से करके आओगे, आप भी पढ़ो, या फिर अगर आप चाहो तो आप मुझे बता दीजिए, हम वो कवर कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ सजेशंस पूछने वाला हूं गाइस। देखिए, प्रीलिम्स 2021 27th of June को है, प्रीलिम्स 2021 27th of June को हमारी प्रीलिम्स है, राइट? तो अब इस प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, एवरीडे 50 to 60 questions सॉल्व करने हैं, 50 to 60 questions सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको वीक में एक मॉक टेस्ट देनी है 100 question की, और इन टेस्ट्स के बाद आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक टॉपिक के, सब्जेक्ट के, जो भी टॉपिक आपके वीक है, आपको उन टॉपिक की लिस्ट बनानी है और मुझे आपको ये टॉपिक भेजने हैं। ठीक है, मैं वो टॉपिक यूट्यूब पे आपको कवर करवाऊंगा या फिर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे टू द पॉइंट वो टॉपिक करेंगे प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये 50 to 60 questions डेली सॉल्व करने हैं, तो आपको मेरी शार्प 8 AM की मॉर्निंग की अनअकैडमी की फ्री लाइव टेस्ट अटेंड करनी पड़ेगी, शार्प 4 PM की इवनिंग की अनअकैडमी की मॉक टेस्ट अटेंड करनी पड़ेगी। और इन दोनों मॉक टेस्ट में से आपको जो भी टॉपिक्स वीक लगते हैं, आपको वो टॉपिक मुझे सेंड करने हैं, मैं वो टॉपिक आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही काफी है गाइज। वी आर मीटिंग अगेन एट 4 PM। कितने बजे मिलना है आज हमें फिर से? हम मिलने वाले हैं आज 4 बजे, इसलिए मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, इवनिंग में 4 बजे मॉक टेस्ट होगा, उसके लिए आज हम मिलने वाले। तब तक आपको जाने से पहले ये वायरल कोड ऑफ सक्सेस याद रखना है, वायरल कोड ऑफ सक्सेस, SKUS, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। ये आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट दिला देता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, मेरे इस टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस टेलीग्राम चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इसके साथ साथ आपको मेरे इस अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो करना है और आपको मुझे हैट्स भी डेडिकेट करनी है। ठीक है, so from my side for today, that's it guys, we are meeting again at 4 PM, till that time bye bye, take care, sign